नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी केपी न्यूटन में स्वागत है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्लास टेंथ का जो साइंस का पहला चैप्टर है, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। हम लोग देखेंगे आज रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, राइट। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग रासायनिक अपक्रियाएं। तो रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती है? हमारे दैनिक जीवन बहुत सारी ऐसी रासायनिक परिवर्तन होते हैं और भौतिक परिवर्तन भी होते हैं, तो हम लोग कैसे पहचाने कि ये रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन से ही रासायनिक अपक्रियाएं होगी, और किस तरह से हम बहुत सारी डेली लाइफ में हमारी जो अपक्रियाएं होती हैं, परिवर्तन होते हैं, कुछ भौतिक परिवर्तन होते हैं, कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन से ही रासायनिक अपक्रियाएं देखेंगे। तो हम कैसे पहचाने कि ये हमारी रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन? जैसे कि देखिएगा, जब हम क्या करते हैं, जैसे हमारा पानी होता है, पानी को अगर हमने ठंडा कर दिया और बर्फ में बदल दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, पानी से बर्फ बन गया, पदार्थ बना दूसरा। और यहाँ पर तो ये चेक करना है, जब हमारी रासायनिक अपक्रियाएं जो होती हैं, तो जब रासायनिक अपक्रियाएं होने के बाद क्या होता है कि पदार्थ जो होता है एक नया पदार्थ बनता है, और नए पदार्थ के गुण भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे कि दूध से दही बनना, जब दूध था, दूध हमारा मीठा होता है, और जब दूध से दही बन गया तो दही कैसा है, खट्टा है, तो यहाँ पर एक नया पदार्थ बन गया और इसके गुण भी क्या है, अलग हैं। तो ये हमारे क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, और इन्हीं को बोलेंगे हम रासायनिक अपक्रियाएं, राइट। जैसे कि यहाँ पर और भी देख लीजिएगा, जैसे कि हमारा लोहा होता है, लोहा में क्या होता है, नमी और वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति से क्रिया करके ये बना लेता है फेरिक ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं क्या, जंग लग जाती है लोहे में। तो इस तरह से जब लोहे में जंग लग जाती है, तो ये भी हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, राइट। तो इस तरह से रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक जो अपक्रियाएँ होती हैं, वो क्या होती हैं, ऐसी वे अपक्रियाएँ जिनमें नया पदार्थ बनता है और नए पदार्थ के गुण भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो इस तरह की जो अपक्रियाएँ हैं, वो रासायनिक अपक्रियाएँ। अगला, जैसे भौतिक अपक्रियाएँ क्या होती हैं? अच्छा, जब भौतिक अपक्रियाएँ होती हैं, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और ना ही नए पदार्थ के गुण बदलते हैं। जैसे कि यहाँ पर पानी से हमने बर्फ़ बना दिया, तो जो पानी के गुण थे वही वहाँ पर बर्फ़ के गुण हैं, और ना कोई नया पदार्थ बना। तो इस तरह से जब नया गुण, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और ना ही उसके गुण बदलते हैं, तो इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, राइट। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है और नए पदार्थ के गुण भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा, अच्छा, जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं या रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं? जैसे कि पहला नंबर है यहाँ पर, जब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, तो यहाँ पर गैस का उत्सर्जन हो सकता है, क्या हो सकता है, गैस का उत्पादन हो सकता है, राइट। अगला है यहाँ पर, रंग में परिवर्तन हो सकता है। अगला है यहाँ पर, और क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिएगा, अवस्था में परिवर्तन। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे होगा, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, ताप में भी परिवर्तन हो सकता है। जब भी रासायनिक अपक्रियाएं होंगी, तो ताप में भी क्या होगा, परिवर्तन कम या ज़्यादा हो सकता है, राइट। ताप में कमी या वृद्धि हो सकती है। और देखिएगा, पदार्थ की अवस्था जो होती है, ठोस होगा तो द्रव में भी बदल सकता है रासायनिक अपक्रिया में, या द्रव होगा तो गैस में बदल सकता है, मतलब पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। इस तरह से ताप में भी परिवर्तन हो सकता है, रंग भी बदल जाता है। जैसे कि देखिएगा, रंग में परिवर्तन कैसे, जैसे कि हमारा पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसका रंग जो होता है, इसका जो विलयन होता है, रंगी जो बैंगनी कलर का होता है, और जब इसमें हम क्या, नींबू मिला देते हैं या सिट्रिक अम मिलाने पर, ये बैंगनी रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, कोई कलर नहीं बचता है। तो ये क्या है, रंग में परिवर्तन हो गया, क्योंकि बैंगनी था जब हमने क्या किया, सिट्रिक अम मिला दिया, या हमने नींबू का रस मिला दिया, क्योंकि नींबू के रस में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, तो क्या हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया, रंग बदल गया, रंगहीन हो गया, राइट। इसी तरह से यहाँ पर गैस को उत्सर्जन की बात करें, जैसे यहां पर देखिएगा, जब जिंक की रिएक्शन हम कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो यहां पर बनता है जिंक सल्फेट बनता है, और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है, राइट। तो ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। तो कहने का मतलब है कि जब भी रासायनिक अपक्रियाएं होंगी, तो क्या होगा, गैस का उत्सर्जन हो सकता है, दूसरी बात रंग में भी परिवर्तन होता है जब भी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं, और अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब है, जैसे मोमबत्ती होती है, तो जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं, ठोस होती है, जलाने पर हमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जलवाष्प बनता है, जलवाष्प,
तो इस तरह से जो हमारे क्या है, तो इसकी जो ठोस अवस्था है वो बदल गई, किस में? गैस में, और गैस में बदल गई। तो इस तरह से क्या है, पदार्थ यहाँ पर जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो अवस्था में भी परिवर्तन होता है, राइट। इसी तरह से ताप में परिवर्तन की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें ताप में परिवर्तन होता है। तो ताप में परिवर्तन के आधार पर जो अभिक्रियाएं हैं वो दो तरह की, कौन कौन सी हैं? एक तो है हमारी कौन सी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है एक, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरी जो है अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया, कौन सी होगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिएगा ताप में परिवर्तन के आधार पर अभिक्रियाएं क्या है, दो तरह की, कौन कौन सी? एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और एक है हमारी ऊष्माशोषी। अच्छा, ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा को शोषित करने वाली ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें क्रिया कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, तो इस तरह की अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऊष्माशोषी। और कुछ अभिक्रियाएं क्या होती हैं? क्रिया होने में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पर, जैसे तो यहाँ पर देखिए ऊष्माशोषी क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें क्रिया कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। जैसे कि देख लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ पर जैसे कि क्या नाम, जो हमारी चीनी होती है, चीनी को अगर हमें घोलना होता है, जब हम घोलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? ताप देना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा चीनी घोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ताप देना पड़ता है। तो ये ताप देने का मतलब ऊष्मा देनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अच्छा, ऊष्माक्षेपी क्या होती है, हम लोग देखेंगे अभी इनको एक एक करके। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है, क्रिया होने पर ऊष्मा क्या हो, निकलती है। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन हैं जिनमें क्या होती